सर जैसे आपने लास्ट टाइम स्टोरी पर लिख के लेके आए हो सर। यस अच्छा ऐसा कुछ बोलना नहीं है, जो मैं करता हूँ मैं वही बताने वाला हूँ। ओके ओके ठीक है। ओवरथिंकिंग से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? सबसे पहले लिव इन प्रेजेंट मूवमेंट। और एक एक्रोनियम है सर, लॉस्ट, LOST। ये क्या होता है सर? मैं बता रहा हूँ। अच्छा बताओ। तो LOST एक सर हम फ्रेंड ना वाइजली चूज कर सकते हैं अपने। क्या होता है, पहले हम सर ज्यादा डीप तो नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं मेरा तो ये मेरा डायलॉग आपने बोल ही दिया मतलब। हाँ और मुझे को बोल दिया है, मुझे खच्चर भी बोलता हूँ। बचा क्या है, क्या खच्चरों की तरह खड़े होकर के सुन रहे हो? कुछ समझ आ रहा है? समझ आ रहा है मैं बोल क्या रहा हूँ, किस लेवल से बोल रहा हूँ? बोलो बोलो। मैं एक दो स्किप भी कर देता हूँ, शायद लंबा हो रहा है। अरे क्या जरूरत है, पूरा दिन है हमारे पास जी। हम तो वही आयुष हो ना पक्का? अरे पक्का और लगे रहो, मैं बैठ जाता हूँ आराम से। बोलो 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 भाई। फर्स्ट सेशन में क्या हुआ था कि सर बताना बहुत सारा था, मैं मेरे को लग रहा है ज्यादा ही हो रहा है। अरे यार अभी तो शुरुआत है, बैठा हुआ एक आध और एक आध पॉइंट। ठीक है मैं दो बताता हूँ सर। दो बता ये ठीक है। हाँ वो मैंने अराउंड 20 टाइम्स मैं सुन चुका हूँ अभी तक। अब और पॉइंट तो नहीं है ना सर? है बहुत सारे पर मैं आप लगे रहो। काफी सारे मतलब रहते हैं क्वेश्चंस के सर। जैसे उसमें एक वो स्नेक वाला हो गया भाई। आंखें खोल सकता हूं मैं अपनी? बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। हम वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट ये नहीं कि हमें फिजिकल फिट होने के लिए करना पड़ता है। जैसे मैंने अपने ऊपर ऑब्जर्व किया है, जिस दिन मैं वर्कआउट करने नहीं जाता हूँ तो थॉट्स ज़्यादा इधर उधर वेंडर हो रहे होते हैं। जो पॉइंट आपने बोला है जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है और रेलेवेंट है वो क्या है? फिजिकल वर्कआउट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में कभी बहुत ज़्यादा कुछ घूम रहा है और आपकी कैपेसिटी है मान लो जॉगिंग करने की 1 किलोमीटर है इतनी। सच में बताना कितनों की है इतनी कैपेसिटी? अच्छा 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर भगाऊंगा यहाँ पे, याद रखना। मतलब जब हम अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं फिजिकली तो क्या होता है उसके बाद में? फिजिकली भी मेंटली भी रेस्ट करने का मन नहीं करता है हमारा। मन नहीं करता है, वहाँ पर पड़ जाओ, घास पे जाकर के लेट जाओ। ये कुत्ता चाट भी रहा होता है तो इतना आलस आता है कि कौन हटाएगा इसको, चाट ले किसी मजे ले ले, कोई नहीं क्या होगा। तो क्या होता है जब हम फिजिकली वर्कआउट करते हैं पूरी तरह से हम रिलैक्स हो जाते हैं। यानी एक तरीके से क्या हुआ, हमारी ब्रेन जो हैंग हुई पड़ी थी वो फॉर्मेट हो गई। कितनी देर में हो गई? फटाफट हो गई। मेन 2 प्रॉब्लम्स होती है, एक पास्ट की एक फ्यूचर की। जो पास्ट की प्रॉब्लम है ना वो सबसे ज़्यादा दिमाग खराब करती है। हाँ। उसको दूर करने के लिए क्या है, उसको माइंड डाइवर्ट करो। या तो कोई मूवी देखो, या रात को सो रहे तो मैं टीवी चला के सोता था ताकि मेरा माइंड जो है ना उधर ना घूमे। यानी कि सुनते 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 एकदम नींद आ गई। कितने लोग ये करते हैं प्रैक्टिकली? बहुत लोग करते हैं। कितने हैं जो कोई म्यूजिक नहीं सुनते, कुछ नहीं करते और एकदम लेटते हैं और नींद आ जाती है? सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। मेहनत करते हैं ना? अच्छा मेहनत करते हैं। सबसे अच्छा जो पॉइंट है जो अभी तक हमने कवर भी नहीं किया, दैट इज कि अपने आप को बिजी रखो। क्योंकि अगर हम बिजी रखते हैं कंस्ट्रक्टिवली कहीं पर अपने आप को तो क्या होता है, हम थक जाते हैं। थक जाएंगे तो अपने आप ही नींद आ जाएगी। बट हैविंग सेड दैट ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। एक ही ऐसा सेंस है जिसको अगर आपने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया तो आप समझ जाओ आपने बॉडी को भी काफी हद तक जीत लिया है और माइंड को भी जीत लिया है। वो क्या है? टांग। यहीं से तो चकड़ 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 बोलते हैं, यहीं से हम खाते हैं। कभी नोट करना हमारी जो टंग है खुद मोटी नहीं होती है। आपको मोटा, बड़ी चालाक है ये टंग। अगर आपने इस जीप को कॉन्कर कर लिया, यानी कि ये जो टेस्ट है, टेस्ट के पीछे हम दीवाने हुए पड़े रहते हैं। एक दिन व्रत रख करके क्या होता है, हमको ये समझ आता है कि बिना खाने के भी हम जी सकते हैं। इसी तरह से अपनी ये जो जीभ है, जहाँ से हम बोलते रहते हैं, इसके लिए आप एक व्रत रख सकते हो हफ्ते में एक दिन, जिसको मौन बोलते हैं, जिसको साइलेंस बोलते हैं। बट द पॉइंट इज कि वो साइलेंस बड़ा ही आर्टिफिशियल होता है। कभी आप देखोगे ना लोगों को जो सो कॉल्ड मौन वाले होते हैं, जैसे ही मौन तोड़ते हैं वही हालत होती है उनकी जैसे करवा चौथ व्रत तोड़ने के बाद में हमारी माओं की होती है। खाने पे जाकर के टूट के पड़ते हैं, रेस्टोरेंट्स में सब में लाइनें लगी होती हैं। ऐसे ही जो ये सो कॉल्ड मौन रखते हैं बिना समझे, जैसे वो बिना समझे ही व्रत रख रहे हैं ना, इसलिए नहीं रख रहे कि उनको समझ आ रहा है कि इस व्रत को रखने से उनको क्या फ़ायदा होगा, इसलिए रख रहे हैं कि रखना पड़ेगा, डर रहे हैं कि नहीं रखा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो मरमरा जाएगा मेरा बच्चा, वो कुछ भी डर करके रख रहे हैं ना, मतलब ज़बरदस्ती रख रहे हैं, समझ करके नहीं रख रहे। जब भी हम कोई काम ज़बरदस्ती करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, और समझ करके करते हैं तो उसका बेनिफिट होता है। अगर इसी तरह से आप व्रत रखो ना बोलने का, या कम बोलने का, सिर्फ उतना बोलने का जितना ज़रूरी है, अपने अंदर भी और बाहर भी, तो कमाल हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हमको आनी चाहिए, दोनों को हमको प्रैक्टिस करते रहना है। एक तो नंबर वन बिजी रहने की, और दूसरा बिजी ना रहने की। ये दोनों आर्ट हमको आनी चाहिए, यानी बोलने की भी प्रैक्टिस करनी है, जितना बोलना है एक एक बात में दम होना चाहिए, उतना ही बोलना है जितना ज़रूरी है, यानी बोलना भी हमको आना चाहिए, चुप रहना भी आना चाहिए। सर मोस्टली पहले तो हमको ये समझना चाहिए ओवरथिंकिंग मोस्टली नेगेटिव ही होती है। कोई हमको हर्ट कर जाता है या किसी को लेके हमारे अंदर पर्सनल ग्रज हो जाता है और वो हम ही को नुकसान करती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रात को सोने से पहले 1 मिनट लगता है मुश्किल से, अपने मन में माफ़ी मांगो कि मैंने अगर उसके बारे में कुछ भी गलत सोचा है तो मुझे माफ़ करना, और उसने जो भी आपके साथ किया हो या जिसकी वजह से भी आपका कोई भी नुकसान हो, आप उसे माफ़ करो। किसी को पता तो चलना नहीं है, बट ये होता है आप अंदर में आपको रिलीफ महसूस होती है। एंड देन धीरे धीरे बाय प्रैक्टिस आप अपना पास्ट भूल जाते हो, जो भी नेगेटिव पास्ट होता है वह भूल जाते हो। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। बड़ा कमाल का पॉइंट है ये, अगर एक्चुअल में आप ये करते हो तो। यानी डेली आप लोग प्रेयर तो करते होंगे, कितने हैं जो डेली सुबह उठ करके प्रेयर करते हैं, कितने हैं जो कोई प्रेयर वेयर कुछ नहीं करते हैं? हाथ इतना डर डर के क्यों ऊपर उठ रहे हैं? भगवान देख रहा है, नरक में जाओगे सारे के सारे, गरम तेल में तले जाओगे, और क्या। भगवान को नहीं मानते हो, चलो एनर्जी को तो मानते हो, कुछ पावर्स तो हैं जिसकी वजह से आपकी ब्रेथ चल रही है, आप चल रहे हो। अगर वो पावर आपका साथ ना दे तो हो क्या, सच है झूठ है? हाँ, तो ये पूरा यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है ना, तभी आप चल पा रहे हो, तभी आप जी पा रहे हो, नहीं तो कितना कुछ बुरा हो सकता है आपके साथ में, कोई लिमिट ही नहीं है। 1 सेकंड लगेगा, वो बंदा हुआ करता था। तो अब आप क्या कर सकते हो, जिस भी पावर को आप मानते हो, जैसे भगवान के लिए अगर आपके अंदर से कोई फीलिंग उठती है, क्या बोल रहे हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, किसको बोल रहे हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये आप किस फीलिंग के साथ बोल रहे हो। एक तो है भिकमंगों की तरह हम जाए, भगवान भगवान ये दे दो, वो दे दो, लिस्ट भगवान ये कच्चा मतलब मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ कि भाई भगवान के अंदर क्या क्या फीलिंग आती होगी कि आ गया, फिर से आ गया मांगने का। सोचो आपका कोई दोस्त है, रोज़ आपके दरवाजे पे आए, घंटी बजाए, आ करके मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे। 1-2 बार आप दे दोगे, उसके बाद में आप क्या, चल भाग यहाँ से, ऐसी फीलिंग नहीं आने लग जाएगी अंदर से। तो एक तो ऑप्शन ये है कि मांगते रहो, जितना मांग रहे हो उतना ही फंस रहे हो। मांगना ही है तो कुछ ऐसा मांगो कि इस मांगने के चक्कर से ही बाहर आ जाओ। वो क्या है, वो प्रेयर क्या हो सकती है, हे भगवान मेरे दिल में गलती से भी, अनजाने में भी, किसी के लिए भी कोई भी बुरा ख्याल ना आए। एकदम रिलैक्स हो जाओगे। अभी फील कर पा रहे हो? बोलो अपने आप को, देखो बहुत सारे बुरे ख्याल हैं ना हमारे दिल में, पता नहीं क्या क्या दबा पड़ा है किस किस इंसान के लिए। बोलो अपने आप को, करके देखो, अभी पता लगेगा। क्योंकि आपको नहीं पता उनकी सिचुएशन क्या है, उनकी अपब्रिंगिंग क्या है, उनके साथ क्या हुआ जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया, क्यों वो ऐसे हैं, वो आपको नहीं पता है। तो एक बार छोड़ दो दिल में जो कुछ भी है उनके लिए, बोलो अपने आप को दिल में बोलो। यहाँ पे एक एनर्जी फ्लो हो रही है, फील कर पा रहे हो? सच सच बोलना, कितने कर पा रहे हैं? ये पता है क्या हुआ है, जो अंदर दबा पड़ा था ना वो निकल गया है। इसको छोड़ना कहते हैं। यहां पर आप भूल नहीं रहे हो, उस पर्सन को भूल नहीं रहे हो जिससे आपको प्रॉब्लम है, उसको छोड़ रहे हो। कहां छोड़ रहे हो? यहां छोड़ रहे हो, यहां छोड़ रहे हो। बाहर हो सकता है उसके साथ ही रह रहे हो। मेरे घर में एक फंक्शन था, उसमें दो भाई सगे, दोनों मेरे दोस्त, लेकिन आपस में एक दूसरे के एंटी। दोनों वहाँ पर आए, दोनों ने एक दूसरे को देखा। तो उसमें से जो बड़ा भाई था वो मेरे पास में आया, आकर के बोला, भाई ये तूने क्या किया? मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, मैं इस बंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकता एक मिनट के लिए भी। 5 साल से मैंने इसकी शक्ल तक नहीं देखी थी, आज तूने दिखा दी। मैंने कहा, क्यों झूठ बोल रहा है? मैंने कहा, 5 साल से तू किसके बारे में सोचता रहता है सुबह से रात तक अपने दिमाग में? तू कह रहा है कि मुझे उसको वहां नहीं देखना है। अरे वो वहां नहीं है, वो तो यहां बैठा हुआ है, वो यहां बैठा हुआ है। तुझे लग रहा है तू उससे दूर है। तो हम जिनसे दूर जाना चाहते हैं उन्हीं के हम सबसे ज्यादा पास होते हैं। तो छोड़ने का क्या तरीका है? छोड़ दो। जो भी उसने किया बढ़िया है, अच्छा हुआ, खत्म हुआ खेल। हम जिसके पास जाना चाहते हैं, आप जिसके पास जाना चाहते हैं, किसके पास जाना चाहते हो? चाहे आप किसी के पास जाना चाहते हो, चाहे किसी से दूर जाना चाहते हो, दोनों यही है। आपके दिमाग में कोई बैठा हुआ है या बैठी हुई है, बट उसके दिमाग में कोई और है, वो वहां भाग रही है, आप यहां भाग रहे हो। तब आपकी हालत पता कैसी हो जाएगी? जैसे गली में आपने देखा होगा जब कुत्ते गाड़ी के पीछे भागते हैं। अब यहां से बाहर कैसे आए? बाहर आना जरूरी है ना, तभी तो आप अपने करियर पर फोकस करोगे, तभी तो ये देख पाओगे कि आप किसके दिल में हो या आप किसके दिमाग में हो। नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? आप किसी ऐसे इंसान के साथ में रहो जो आपके तो दिल और दिमाग में है, लेकिन उसके दिल और दिमाग में कोई और है। ऐसे इंसान के साथ जिंदगी भर रहो, या बेटर है किसी ऐसे इंसान के साथ रहना जिसके दिल में दिमाग में सिर्फ आप ही आप भरे पड़े हो। सर वो भी करके देख लिया, कुछ नहीं। माइक दो भाई साहब को। बताइए भाई साहब, पकड़ सकता हूँ? बताओ अपने एक्सपीरियंस के बारे में। हाँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी कॉलेज टाइम पे। हाँ, 6-7 महीने में उसने मेरे को पटाया था। ये बोलना चाहते हो आप? मतलब मैं यहाँ पे कैमरे में कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सच है, झूठ है? अच्छा ठीक है। हाँ, तो गर्लफ्रेंड थी, उसने आपको पटाया था? हाँ बिल्कुल। बड़ी बेली थी? गुड लुकिंग हो। 6 महीने लगा करके आपको पटा लिया उसने फाइनली। फिर क्या हुआ उसके बाद में? 1.5 साल रिलेशन चला। हाँ, उसका रोका वगैरह हुआ। हाँ हाँ, वहाँ से फोकस आया, काम करो, पैसा कमाना है ताकि उसे घर वालों से बात कर सकें। अच्छा। देन फिर मेरे को बोलती है उसके पास ऑडी है। तो फिर उसको मैंने बोला तू घर से निकल जा, बाकी मैं देख लूँगा। उसकी शादी, उसने मेरे को बोला मैं 2 सितंबर को आऊँगी। देन पता चला उस दिन उसकी शादी थी। मुझे मतलब रोकने के लिए उसने ऐसा बोला था। अच्छा। देन फेसबुक पर उसकी फोटो देखी। अरे दोबारा ये हंस के हो रहे हो, दुख भरी कहानी है। तो भाई के ऊपर क्या बीत रही है? मैं थोड़ा ये हाथ रख दूं, थोड़ा आपको कंफर्ट मिलेगा। 2-3 महीने देवदास बन के रहे, 9 kg वेट लॉस हुआ। अरे देन फिर एक नई लड़की आई। तो उसने भी आपको पटाया? उसने मुझे बोला तो मुझे तुम्हारी आंखें अच्छी लगती है। फिर धीरे धीरे बातें चली। ये भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो लड़कियां बैठी हैं ना उनको सिग्नल दे रहे हैं। पता लगे एक एक करके लड़कियां आए, आंखें देखे। और देन फिर पता चला उसका और भी बॉयफ्रेंड है। अच्छा, उसका एक और बॉयफ्रेंड भी था। हाँ। लेकिन आंखें आपकी अच्छी लगती थी। नहीं मतलब रिलेशन में 1 महीने रहा, फिर लोहड़ी पे ब्रेकअप हुआ था। लोहड़ी के दिन पे? मतलब क्या वो मतलब फुल्ले वहां पे चढ़ा रहे थे? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी तुझे फुल्ले। क्यों ब्रेकअप? ऐसा कुछ मतलब नहीं। मैंने उसको लोहड़ी पे विश नहीं किया। सुबह उसका व्हाट्सएप पे मैसेज आ रखा था, धार्मिक लड़की है। देन अभी मैं आपके फर्स्ट सेशन में आया था, उसके 4-5 दिन पहले पता चला वो लड़की फरार हो रखी है, 2-4 लौंडों से पैसे ले रखे हैं, फरार हो गई। आपके ऊपर मेरे को लग रहा है एक मूवी बननी चाहिए। नहीं मतलब लग नहीं रहा भाई के ऊपर। चलो ठीक है, सो गुड, बन गया। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, गद्दा वद्दा लगवा दूँ आपके लिए। हाँ, हाथ में गजरा लेके बैठे रहना। संदीप बोल बोल बोल, अच्छा बोलता है। हाँ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑन दी कमिंग सैटरडे। थैंक यू। आज का जो सेशन है, ये अब तक के जो भी सेशंस हुए हैं, 3 सेशंस हो चुके हैं, आज 4था सेशन है हमारा, वो तीनों एक तरफ और आज का सेशन एक तरफ। जैसे होता नहीं है कि हम कुछ खा रहे होते हैं तो एंड में जो सबसे सही चीज़ होती है उसको बचा नहीं लेते हैं हम, इसको बाद में निकलेंगे। हाँ, तो कुछ ऐसा ही मैंने बचा के रखा हुआ था कि अगर इस सेशन को आपने अच्छे से समझ लिया, जो आज यहाँ पर होने वाला है, तो काम हो गया।